स्वच्छता मिशन के तहत बनाए जा रहे शौचालयों के निर्माण में जवाबदेही तय करते हुए 200 रोजगार सहायकों के 4 लाख रुपए राजसात करने के दिए गए आदेश। अखिल भारतीय महिला फेडरेशन की राष्ट्रीय इकाई की पदाधिकारियों के साथ पुलिस कार्रवाई के खिलाफ आज जिला शाखा ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन और पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सौंपा ज्ञापन। शहर में आज नामदेव क्षत्रिय समाज ने मनाया नामदेव जयंती का पर्व, शहर में निकाली शोभा यात्रा। यातायात पुलिस ने कलेक्ट्रेट रोड पर आज की अनोखी कार्रवाई, हेलमेट पहनने वालों का पुलिस ने किया माल्यार्पण कर सम्मान और ना पहनने वालों के काटे चालान। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन द्वारा आज पेंशनरों की समस्याओं को लेकर महाप्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। स्थापना दिवस के मौके पर आज समूह और महिला उद्यमियों द्वारा तैयार किए गए सामान की लगाई गई प्रदर्शनी, उनका किया गया विक्रय, साथ ही आयोजित हुआ महिला सम्मेलन। नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी से परेशान महिला पहुंची पुलिस की शरण में, छेड़खानी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अशोकनगर रोड पर अंडरब्रिज के पास बनाया गया अवरोधक टूटा, यातायात हुआ बाधित। सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित हुआ मातृ सम्मेलन। राहुलगढ़ में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा ली गई राष्ट्रीय एकता की शपथ। धरनौदा क्षेत्र से गुम हुई 3 वर्षीय अबोध बालिका मिली रुठिया स्टेशन पर, FRV वाहन ने बालिका को सौंपा परिजनों को। नर्मदा परिक्रमा यात्रा की सफलता के लिए आज रुठियाई में बनाए जा रहे पार्थिव शिवलिंगों की हुई पूजन, निकाली गई शोभा यात्रा। जिला शिक्षा अधिकारी ने संकुल प्राचार्यों को देरी से वेतन बढ़ाने पर दिए नोटिस। ग्राम सावरा पहाड़ में आज एक गांव के टपरे में लगी आग, टला बड़ा हादसा। गुना के केंद्र क्षेत्र में संतुष्टि बाजार में आज हुई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस जिम की शुरुआत। DSO की पराजित उम्मीदवार रचना किरार ने आज अपने जिला पदाधिकारियों के साथ मिलकर छात्र संघ अध्यक्ष का निर्वाचन रद्द करने और अवैध मतपत्रों को गिनती कर अपीलार्थी को विजयी घोषित करने की मांग को लेकर दिया कॉलेज प्रबंधन को ज्ञापन।